हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते सबको। थोड़ा वेट कर लेते हैं, कुछ लोग ज्वाइन कर ले। जिन्होंने भी अभी लाइक किया है, क्या वो मुझे बता सकते हैं कि क्या मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है आपको? एम आई ऑडिबल? या गाइस, एम आई ऑडिबल? क्या कोई बता सकते हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम थोड़ा सा, 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, कुछ लोग और ज्वाइन कर जाए, उसके बाद हमारी बातें शुरू होंगी। हेलो 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 एवरीवन, हेलो हेलो दर्शन, हेलो। आज का जो मेरा मोटिव है, जैसे कि आज मैं अचानक लाइव क्यों आई, आप सभी को लग रहा होगा, जैसे मैं एक एक साल से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला है। हाय हाय पूजा, हाय हाय स्नेहा। मैंने पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया, मैं एक भी वीडियो नहीं डाली हूँ। दैट इज़ रियली वेरी, यू नो, वेरी पेनफुल फॉर मी टू, क्योंकि मैंने ये चैनल भी यही सोच के शुरू किया था। हाय तानिया, हेलो, हाउ आर यू? एंड मैंने ये चैनल भी यही सोच के शुरू किया था कि हमारा ये सफ़र हमेशा चलता रहेगा। हाय अविनाश भैया, हाय। हमारा ये सफ़र जो है हमेशा चलता रहेगा, लंबा चलता रहेगा। मैंने सोचा नहीं था कि इतना, यू नो, इतना बड़ा हॉल्ट हो जाएगा बीच में, सो विच इज़ वेरी सडन फॉर मी। लेकिन ठीक है, कुछ चीज़ें होती रहती है और नेचुरल चीज़ों को तो हम रोक नहीं सकते हैं। तो पहले पहले हम लोग ये बात करते हैं कि इस लॉकडाउन में आप सभी कैसे हैं, क्योंकि अभी तो जैसा माहौल है चारों तरफ का, बहुत बहुत ही बुरा हाल है। हम लोग अपने मर्जी से कहीं जा नहीं सकते हैं, कहीं से आ नहीं सकते, बाहर निकलना भी अभी बहुत मुश्किल हो गया है, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। हाय हाय अश्मी दी, हाय। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफली होंगे, सिक्योरली लाइफ चल रहा होगा आप सभी का। सब सबका, यू नो, सबका हेल्थ अच्छा रहे, मैं हमेशा प्रे करती हूँ आप सभी का। और आप लोग पहले जैसे मुझे सपोर्ट करते थे, अब भी मुझे वैसे ही सपोर्ट करेंगे, यू नो। थैंक यू तानिया, थैंक यू सो मच। तो बात ऐसी हो गई थी कि मैंने जब मेरा लास्ट वीडियो किया था, तो तब भी काफ़ी ज़्यादा बीच में गैप चल रहा था, क्योंकि मेरे एकेडमिक्स के साथ, यू नो, थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना पड़ता है। इसी की वजह से थोड़ा टाइम, मतलब पूरा टाइम इस साइड में नहीं दे पाती हूँ, तो दैट इज़ क्वाइट नेचुरल। लेकिन फिर पापा पिछले साल डिसमिस कर गए, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा, यू नो, सिचुएशन बहुत बुरा हो गया था पापा के जाने के बाद। सब कुछ मतलब सब कुछ फिर से वैसा कर पाना बहुत मेरे लिए, और इतना बड़ा, यू नो, इतना बड़ा एक्सीडेंट का धक्का, मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं कैसे निकल पाऊँगी उस चीज़ से। तो उसी चीज़ से, यू नो, ग्रेजुअली निकलते निकलते इतना वक्त मतलब चला गया। हाय कुणाल भैया, हाय। सब आप ही लोगों की मेहरबानी है कि मैं आज भी यहाँ हूँ और इतने सारे मुझे लोग देख रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आज मैं लाइव आई हूँ। हाय,
हाय सुशांत दा, हाय हाय। आप लोग आए मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर। मैं यही डिस्कस करना चाह रही थी, जैसे कि हमने पिछले एक साल से बिल्कुल भी मतलब कनेक्ट नहीं किया है एक दूसरे से। मैं कोई वीडियो नहीं डालती हूँ और फिर सोचा कि आप लोगों को एक बार फिर से रिकनेक्ट कर लेती हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में हर किसी की आती है। वैसे ही मेरी भी आई, तो ये वाला बहुत ज्यादा डाउनफॉल था, लेकिन फिर भी फॉर्चुनेटली आई एम सो लकी कि मेरे फैमिली वाले और मेरे फ्रेंड्स सभी के वजह से, सबका मैं बहुत ज्यादा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया ताकि मैं इस ट्रेजेडी से निकल सकूँ, और मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं ताकि मैं हमेशा आगे बढ़ती रहूं, नए नए वीडियोस बनाऊं, नई चीजें अपने वीडियोस के साथ, नए तरीके के एक्सपेरिमेंट्स। या आई एम गुड दादा, आई एम गुड, हाउ आर यू, टेल मी। या सो दीज आर द थिंग्स। एकदम एकदम। या सोमादी, आई विल रिकॉर्ड ऑल माई सॉन्ग्स नाउ वेरी क्विकली, बिकॉज ऑल दिस कोविड टाइम, दिस इज अ वेरी वेरी नेस्टी सिचुएशन राइट नाउ। इसीलिए मैं अपने वीडियोज अभी थोड़ा सा मतलब मैंने एक गाना ऑलरेडी मेरा आने वाला है, विच इज़ द ऑडियो ऑलरेडी आई शूटेड, बट मेरा वीडियो अभी तक नहीं हो पाया है लॉकडाउन की वजह से ही। मैं करने ही वाली थी, लेकिन जैसे अब आप सब जानते ही हैं कि आसपास में कितना ज़्यादा कंटेनमेंट जोन बढ़ रहा है धीरे धीरे, बहुत दिक्कत हो रहा है इसी वजह से, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। पहले पहले आपका हेल्थ सही रहेगा तो ही आप कुछ काम कर पाएंगे, तो इसीलिए हेल्थ भी पहले देखना पड़ता है। या हाय आखी, या आई हैव रिकॉग्नाइज्ड यू। हाय शायन, हाय। या लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते थे कि तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, नेक्स्ट गाना कब आ रहा है, तो उससे मुझे हमेशा लगता था। और आप लोगों ने मुझे इतने सारे अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स करके हर वीडियो में आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, उसके बाद अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, और मुझे और क्या इम्प्रोवाइजेशन करना चाहिए वो भी मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे आप लोग हमेशा बताते रहते हैं। दैट इज़ आई एम रियली ब्लेसफुल कि यू गाइज, यू पीपल आर इन माई लाइफ। बात ऐसी है, अब मेरे वीडियोस जो है वो कंटिन्यू आते रहेंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा हॉल्ट बीच में ना रहे, अगर लाइव वीडियोस भी हो लेकिन वो आते रहेंगे। कोविड के वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वैसे भी कोविड हमेशा तो रहेगा नहीं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी जल्दी वैक्सीन आ जाए और जल्दी जल्दी कोविड ठीक हो जाए। या हाय प्रमिता दी, हेलो हेलो। तो हम सभी यही प्रे कर रहे हैं कि कोविड जल्दी से ठीक हो जाए, कब हम लोग थोड़ा सा फ्री हो जाए, फ्री फील करें, ताकि हम लोग बाहर निकले, सही तरीके से अपना काम कर पाए। अभी स्टडीज भी सब रुकी हुई है, घर में बैठे बैठे सिचुएशन बहुत अगली होता जा रहा है, लेकिन हाँ हम सभी को होप बिल्कुल नहीं खोना है। मतलब अपने काम में हमेशा हमें फोकस्ड रहना है, और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव रहना है हमेशा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन सब कुछ अच्छा होगा, और इसी कोशिश में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। मैंने लाइव करने का मैं पहले ही सोच रही थी, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं करूं या ना करूं। पहले मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी नहीं लग रहा था, मैंने आज तक कभी पहले लाइव किया नहीं था, मुझे लग रहा था कि पता नहीं लोग मुझे कनेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे,
या शुभदीप, इफ यू आर राइट, वी विल ओवरकम. या सो हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं इतने दिनों बाद आ रही हूँ, सबके मन में इतने क्वेश्चंस होंगे कि यार इतने दिनों से आप कहाँ थी. तो यही सब, बहुत सारी बातें आपको बतानी थी. या आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू. माय ऑडियो इज स्टिल लैगिंग. कैन एनीवन प्लीज रिप्लाई. आई थिंक नो, एवरीथिंग इज ऑल राइट. या थैंक यू तानिया, थैंक यू शाइन. सो या सो मैं ये सोच रही थी कि जैसे ओके 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 या ओके थैंक यू. सो मैं ये सोच रही थी कि अब मेरे सारे वीडियोस, जैसे मैं बहुत जल्दी जल्दी डालने की कोशिश करूँगी, और सब में कुछ ना कुछ मैं ट्राई करूँगी इम्प्रोवाइज करने का, और कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगी आप लोगों को एंटरटेन करने का. मतलब ताकि नए नए कंटेंट्स आ सकें, और आप लोगों ने जैसा मुझे प्यार दिया है हमेशा से, शेयर किया है मेरे वीडियोस को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे. हाय दीपिका. या थैंक यू दीपिका. सो आप लोग हमेशा वैसा ही करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का. सो नाउ इफ एनीवन हैज एनी सॉन्ग रिक्वेस्ट. I will try to sing for them. Yeah, anyone? Am I audible? Yeah, Anik, that's right. Okay. Yeah, so Avinash Bhaiya is saying कि जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं सुनाऊँ. Okay, then I will sing for you a song which is very close to my heart, and मैं जब भी ये गाना गाती हूँ तो बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ खुद को. So yeah, of course, Omar, of course, yeah. So I'll start with this. I hope आप सभी को अच्छा लगे. Yeah, of course, everyone can suggest a song. Okay, so I'm starting. हमको मिली आज घड़ियां नसीब से, जी भर दिस वॉज माई वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स.
या सो नाउ आई एम सिंगिंग अनदर सॉन्ग इन अनिक्स रिक्वेस्ट. या राइट, शायद मैंने सही प्रोनाउंस किया है, अनिक. राइट, या सो अनिक चाहता है कि मैं SSR सुशांत सिंह राजपूत के मूवी से गाना गाऊं. मैं अभी जो मैं वो गा रही हूँ, या रिक, या राइट राइट रिक, अनिक रिक. ओके, सो या सो आई विल सिंग अ सॉन्ग, खैरियत फॉर यू ऑल. ओके, या सो खैरियत पूछो कभी तो, कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है. दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है. अंजाम है ते मेरा, होना तुझे है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है ये दूरियां फिलहाल है. ओ खैरियत पूछो कभी तो, कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है. तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारी नजरों के सामने में आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे, गर इश्क से मेरा फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है ये दूरियां फिलहाल है. ओ खैरियत पूछो कभी तो, कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है. या पूजा सा, यू आर राइट. मिस यू टू, बट हु इज दिस? आई कांट गेट योर नेम एक्चुअली. थैंक यू रीक, थैंक यू. या सो एनी अदर सॉन्ग रिक्वेस्ट, एंड थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा कि थोड़ा न्यू सॉन्ग हो. आई एम नॉट एक्चुअली टुडे सो मच लिटरली प्रिपेयर्ड. या ओके 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 देर आर. या अंकिता दी, हाय हाय.
यू नो देर आर सो मच रिक्वेस्ट, सो रिक्वेस्ट आर कमिंग टू सिंग अ बंगाली सॉन्ग, यू नो. ओके लेट्स ट्राई. कौन सा गाया जाए? कौन सा बंगाली सॉन्ग गाया जाए आपके लिए, आप सभी के लिए? कैन यू सजेस्ट समथिंग? या यू नो सो आई डिसाइडेड टू सिंग यू नो रविंद्र संगीत. विच वन? ओ माय गॉड, वही नील नदी पारे. दीज आर सच सॉन्ग्स जो मुझे मुझे याद तो आ रहे हैं, लेकिन लिरिक्स का प्रॉब्लम है थोड़ा सा. सो आई विल ट्राई टू सिंग ऑल दीज सॉन्ग्स इन द इन माई नेक्स्ट वीडियो. या सो ओके सो आई ट्राई टू सिंग तुम्ही हासले अमर चोखे हासी. लेट्स लेट्स यू नो लेट्स ट्राई. तुम्ही हासले अमर चोखे हासी, तुम्ही हासले तोमा तुम्ही हासले अमर चोखे हासी. রাখি আগলে তোমায় অনুরাগে, বলো কিভাবে তোমায় ভালোবাসি, প্রাণ দিতে চাই মন দিতে চাই সবটুকু ধ্যান সারাক্ষণ দিতে চাই তোমাকে, ও তোমাকে স্বপ্ন সাজাই নিজেকে উড়াই আর দুটি নয়নে রোজ নিয়ে শুতে যাই তোমাকে, ও তোমাকে. হ্যাঁ তুমি রবে নীরবে ইয়া আই উইল ট্রাই. সো ওকে তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম, তুমি রবে নীরবে নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথে নিশম, তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম, তুমি রবে নীরবে. ইয়া সো ইয়া থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ শুভদীপ, থ্যাংক ইউ. या भालो वैसे सुखी एक्चुअली मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया. सो या एनी अदर सॉन्ग? ओके पूजा. ओके ओके मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत
किस्मत की लकीरों से। या सो या एनी थैंक यू हु इज दिस अननोन पर्सन। आई एम सॉरी शायन, आई एम सॉरी। If you want any another song, then you may ask. Okay. हो तेरे संग यारा, खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। हो तेरे संग यारा, कुछ रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। या तानिया सो व्हाट वाज द लास्ट रिक्वेस्ट? आई थिंक कौन तुझे, राइट? समवन रिक्वेस्टेड मी टू सिंग कौन तुझे। या कौन तुझे, परेश नाथ साहा। ओके ओके या ओके। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। So yeah, another one. I think Sneha is saying Kalank title track, right? Yeah, Sneha. Yeah. Can you tell me what was the first line? I can't remember now, my God. Yeah, हवाओं में what? या কি করে তোকে বলবো ইয়ার। ওকে ওকে ইয়ার কি করে তোকে, তুই কে আমার, আয়না সাথে চলবো সব পারা পার, মনের আশকারাতে তোর কাছে হারিয়ে গেলাম, কি করে তোকে বলবো
ओके ना। फिजाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा काज पिया, तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा बांध पिया। किसी के न रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बांध पिया। सोया या सो या स्नेहा। ओके ओके थैंक यू। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रैना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रैना और तुम। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच जो आप लोग सभी मुझसे कनेक्ट हुए और मुझे मैं सारे गाने गाने के लिए रिक्वेस्ट किया। आई एम सो ग्लैड, और आई होप कि मेरी सारी गलतियों को आपने माफ़ कर दिया होगा, यू नो द लिरिक्स प्रॉब्लम एंड ऑल दीज थिंग्स। सो या सो नेक्स्ट टाइम यू नो मैं और ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ आऊँगी। अनीक थैंक यू। सो और मेरी सारी गलतियों को यू नो मैं सारे रिक्वेस्ट शायद मैंने नहीं देखा होगा, यू नो कुछ कुछ मिस हो जाते हैं। सो वो सारे जो भी रिक्वेस्ट मिस हो गए हैं प्लीज़ यू नो डोंट माइंड, मैं फिर से लाइव वीडियो करूँगी। उस टाइम आप सभी की बाकी रिक्वेस्ट को मैं पूरे करने की कोशिश करूँगी। और आप यू नो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आपने पहले जिस तरीके से मेरे साथ कनेक्ट किया हुआ था, आप हमेशा वैसे ही करते रहिए, और मेरे वीडियोस को आप यू नो देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और सबको जितना आप कर सके उतना शेयर कीजिएगा। और इस बार सारे वीडियोस यू नो कंटिन्यूअसली आते रहेंगे, देर विल बी नो ऑब्स्टेकल, आई प्रॉमिस यू। एंड या सो या थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा था, शायद मैं डिसकनेक्ट हो गई थी। सो या तो मेरी नई वीडियो आ रही है जल्दी, उसमें मिलते हैं होप। उसमें भी आप अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, और मुझे मेरी गलतियाँ भी हमेशा सुधारने की आप कोशिश कीजिएगा। मैं हमेशा वेट करती हूँ कि यू नो मेरी जहाँ गलती हुई है या फिर मैं जहाँ इम्प्रोवाइज़ कर सकती हूँ वो सारे आप सभी मुझे बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जब कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और या आई एम डूइंग ग्रेट। सो या एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन आप सभी बहुत अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, घर पे रहिए। यू नो ज़्यादा काम नहीं होगा तो बाहर मत जाइएगा, हेल्थ इज ऑलवेज वेल्थ। या सो बाय गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग एक यू नो न्यू लाइव सेशन में। तब तक के लिए एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से आऊंगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। बाय।